कपि करि हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दीन हर्ष उठि कर कहु। तो हनुमान जी जो वृक्ष के पत्तों में छुपे हुए हैं, तो हनुमान जी ने सोचा समझा हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, अंगूठी गिरा दी कि मानो अशोक वृक्ष ने सीता जी के मांगने पर अंगारा दे दिया हो। अब माता सीता को क्या लगा, लगता है मेरे मांगने पर अशोक वृक्ष ने अंगारा दे दिया है। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठाकर उसे हाथ में ले लिया और क्या देखती हैं, तब देखी मुद्री का मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितव मुद्री पहचान हर्ष विषाद हृदय अतुलानी। तो माता सीता ने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी, अरे ये अंगूठी तो मेरे प्राणनाथ रघुनाथ की है। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में कुला गई कि एक ही समय में माता सीता के हृदय में हर्ष भी हो रहा है और विषाद भी हो रहा है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये अंगूठी यहां पर कैसे आ गई। जीति को सकई अजय रघुराई माया ते असि रचि नहीं जाय सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमान। अब माता सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता, संसार में क्या तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो रघुनाथ जी को जीत सकता हो, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती, ये वो अंगूठी है जिसे माया से नहीं बनाया जा सकता। तो सीता जी के मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगे और इधर सीता जी सोचने लगी तो उधर हनुमान जी मधुर वचन बोलने लगे। क्या बोल रहे हैं, रामचंद्र गुण बरनाए लागा सुनता ही सीता कर दुख भागा लागी सुने श्रवण मन लाई आदि होते सब कथा सुनाई। हनुमान जी वहीं से बैठे बैठे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, श्री राम जी की कथा सुनाने लगे और जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया, सीता जी को आनंद आने लगा और वे कान और मन लगाकर कथा को और गुणों को सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर शुरुआत से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जय ही कथा सुहाई कही सुप्रगट होती किन भाई तब हनुमंत निकट चली गयउ फिर बैठी मन भी समय भयउ। सीता जी बोलती हैं कि जिसने कानों के लिए अमृत के स्वरूप यह सुंदर कथा कही है, हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। हनुमान जी कहते हैं मैं भाई थोड़ी ना हूं, मनी मन में सोचते हैं मैं तो लड़का हूं, मैं तो पुत्र हूं ना, मैं तो माता सीता का पुत्र के समान हूं, मैं भाई नहीं हूं।
और तब हनुमान जी ऐसा कहते हुए सीता जी के सामने कूद पड़े और सीता जी बंदर को देख के डर गई। माता सीता जी जो बंदर का चित्र देख के डर जाया करती थी, सामने साक्षात बंदर खड़ा हो गया, वो डर गई देख के और डर के उन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। हनुमान जी कहते हैं मैं भाई नहीं हूं, मैं तो लड़का हूं। और फिर कहते हैं कि हां उस माता को तो मुख फेर लेना चाहिए जिस पुत्र के होते हुए उसकी माता का हरण हो गया। तो माता सीता कहती है भैया तुम किस अधिकार से मुझे माता कह रहे हो। सुनते हैं आगे बड़ी अच्छी चौपाई है। राम दूत मैं माँ तो जान की, सत्य सपत करुणा निधान की, यह मुद्रिका माँ तू मैं आनी, दीनी राम तुम कह सही दान। हनुमान जी कहते हैं कि मैं राम दूत हूँ माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। माता जी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एक शब्द हनुमान जी ने ऐसा कह दिया जो सीता जी के अलावा कोई और नहीं जानता था। कहते हैं हनुमान जी सत्य सपत करुणा निधान की, कि करुणा निधान की सत्य शपथ खाकर कहता हूं। अब करुणा निधान वो शब्द है जो सिर्फ सीता जी रघुनाथ जी के लिए कहा करती थी, कि जान गई कि यह जरूर कोई ना कोई रघुनाथ का अतरंग भक्त है, अतरंग सेवक है, तभी ये इतनी बात जानता है। करुणा निधान नाम तो मेरे अलावा कोई नहीं पुकारता था, और ये नाम माता पार्वती ने पुष्प वाटिका में श्री राम जी के लिए दिया था, और इसी नाम से माता जानकी श्री राम को पुकारा करती थी। किस नाम से? करुणा निधान। और जब हनुमान जी ने यह नाम कहा कि मैं करुणा निधान की शपथ खाता हूं, तो माता जानकी जान गई कि ये मेरे प्रभु का कोई अंतरंग सेवक है, तभी ये नाम जानता है। तो आगे हनुमान जी बोलते हैं कि श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये निशानी या अंगूठी पहचान में दी है जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, नर बानर ही संग कहूं कैसे, कही कथा भई संगति जैसे, राम से आराम से आराम जय जय राम, राम से आराम से आराम जय जय राम। माता सीता पूछती हैं मेरे रघुनाथ तो नर हैं और तुम वानर हो, ये नर और वानर का संग कैसे हुआ, कैसे मिले, कहां भेंट हुई आपकी? तो तब हनुमान जी ने सुग्रीव मिलन से लेके सारी कथा सुना दी कि का सुग्रीव से किस मिले, किस प्रकार बाली का वध हुआ, किस प्रकार सुग्रीव को राज्य हुआ, किस प्रकार सुग्रीव से मिलने के बाद ये कथा आगे बढ़ी। वो सारी कथा हनुमान जी ने माता जानकी को सुना दी। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन काम वचन, यह कृपा सिंधु करता, मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम राम। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया, वो जान गई हाँ ये हनुमान जी हैं, ये मेरे प्रभु के सेवक ही हैं, ये हनुमान प्रभु का सेवक है।
उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। आइए अगली चौपाई में आपको ध्यान आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस चौपाई में हरिजन शब्द यूज हुआ है, तो हरिजन शब्द का किस प्रकार उपयोग हुआ है और क्या अर्थ है मैं आपको समझाता हूं। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमान, भयहुँ तात मोह कहूँ जल जान। हरिजन मतलब, हरिजन मतलब भगवान का जन, हरि का जन भगवान का सेवक। तो हनुमान जी कौन है? हरिजन है। हरिजन यानी हरि के सेवक हैं हनुमान जी। तो भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति सीता जी की हनुमान जी से हो गई। नेत्रों में प्रेम के अश्रु बहने लगे, जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। मैं तो डूब रही थी विरह के समुद्र में, मैं डूबे जा रही थी। हनुमान, तुम डूबते हुए सागर में तुमने मुझको जहाज की भांति आकर बचा लिया है। अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कर पल रघुराय, कपि के ही हेतु धरी निठुराय। हनुमान, मैं बलिहारी जाती हूं, अब मुझे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल तो कहो। मेरे प्रभु और लक्ष्मण जी मेरे देवर दोनों कैसे हैं, उनकी मुझे कुशल मंगल बताओ कैसे हैं। ना श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय हैं और कृपालु हैं, हे हनुमान उन्होंने किस कारण ये निष्ठुर था धारण कर लिए, मेरे प्राणनाथ इतने निष्ठुर क्यों हो गए हैं। सहज बानी सेवक सुखदायक, कब हुक सुरति करत रघुनायक, कब हु नयन मम शीतल तात, होइ हहि निरख श्याम मृदु गाथा। कि सेवक को सुख देना उनका स्वाभाविक है, उनका स्वभाव है। वे श्री रघुनाथ क्या कभी मुझे याद नहीं करते? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मैं अपने रघुनाथ को कब देख पाऊंगी? मेरे रघुनाथ मुझे याद क्यों नहीं करते? मेरे रघुनाथ इतने निष्ठुर क्यों हो गए हैं? वचन नाव नयन भरे बारी, आह नाथ हाँ निपट बिसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोलक भी मृदु वचन विनीता। सीता जी के मुख से वचन नहीं निकलता, नेत्रों से विरह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से वो बोली, हा नाथ आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनित वचन बोले। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सो कृपा निकेता,
जानी जननी माना हूँ जिए ना तुमते प्रेम राम के दूना मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 सीताराम 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 राम राम हे माता। अच्छा देखिए यहाँ पे हनुमान जी कितने बुद्धिमान हैं कि जब दो पक्षों के बीच में इधर उधर बात करनी हो ना तो बात किस प्रकार बनाई जाती है यह उदाहरण आप हनुमान जी सीखिए कि जब माता सीता व्याकुल हो रही हैं कि क्या मेरे नाथ मुझे याद नहीं करते इतना निष्ठुर क्यों हो गए मेरे नाथ तो हनुमान जी कहते हैं माता सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित हमारे राम शरीर से कुशल हैं लेकिन मन ही मन आपके दुख से दुखी हैं कि शरीर तो कुशल है मेरे राम जी का लक्ष्मण जी का लेकिन मेरे श्री राम जी मन ही मन बहुत दुखी हैं। हे माता मन में ग्लानी मत मानिए मन छोटा करके दुख ना कीजिए प्रभु निष्ठुर नहीं है बल्कि श्री रामचंद्र जी के हृदय में तो आपसे दुगना प्रेम है वो आपको दुगना याद करते हैं जितना आप याद करती है ना माता वो आपसे दुगना आपको प्रेम करते हैं आपको याद करते हैं। रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरि धी अस कहि कपि गद गद भयउ हरे बिलोचन दी। हे माता अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए मैं आपको रघुनाथ जी का संदेश सुनाता हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए उनके नेत्रों से जल बहने लगा प्रेम के अश्रु बहने लगे। कहउ राम वियोग तब सीता मोह कहु सकल भये विपरीता नव तरु किस लिए मनहु प्रसान काल निशा सम निसि ससि भान। हनुमान जी बोलते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने कहा है सीते तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं सभी पदार्थ मुझे भाते नहीं हैं प्रतिकूल हो गए हैं वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान रात्रि काल रात्रि के समान चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के समान भालों के वन के समान हो गए सब मुझे चुभते हैं मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता मुझे वृक्ष के नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान लगते हैं सत्य से आग लग रही है रात्रि मुझे ऐसे लगती है जैसे काल रात्रि है और चंद्रमा ऐसे लगता है जैसे सूर्य बन गया हो अग्नि दे रहा हो और जो कमलों के वन है ना वो मुझे शूल के समान चुभते हैं भालों के समान चुभते हैं। कुबल विपिन कुंत बन सरिसा बारित तपत तेल जनु बरिसा जेहित रहे करत ते पीरा पुरग स्वास सम त्रिविद समीरा। जो बादल है ना मेघ जब वर्षा करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गरम तेल गिर रहा हो कि मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करनेवान करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहे कछु दुख घटी होई
काहे कहो यह जाने न कोई, तत्व प्रेम कर हम अरु मोरा, जानत किया एक मन मोरा। कि मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे ये दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। तो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीति रस इतने ही माही, प्रभु संदेश सुनत बहते, मगन प्रेम तन सुधि नहीं ते। और जो मेरा मन तेरे मेरे बीच का जो प्रेम का रहस्य जानता है, वह मन सदा तेरे ही पास रहता है सीते। बस मेरे प्रेम का सार इतना ही समझ ले कि प्रभु का संदेश सुनते ही जान की जी प्रेम में मगन हो गई। रघुनाथ जी के हृदय में प्रेम जान कर जान की जी प्रेम में मगन हो गई, उन्हें शरीर की सुध ना रही। कह कपि हृदय धरी धीर, सीताराम सीताराम। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुख दाता, और आनहु रघुपति प्रभु ताई, सुनि मम वचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। माता प्रभु के वचन को हृदय में लाइए, कायरता छोड़ दीजिए। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानो, जननि हृदय धीर धरु चरे निसाचर जानो। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। हनुमान जी कहती हैं कि राक्षसों के समूह पतंगों के समान हैं और श्री रघुनाथ जी के जो बाण हैं वो अग्नि के समान हैं, और पतंगे कहाँ जाकर मरते हैं, अग्नि में जाके मरते हैं। हे माता हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला हुआ समझो। राक्षस मरने वाले हैं ये सारे राक्षस रघु वीर के हाथों मारे जाएंगे। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, राम बाण रवि उए जान की, कम बरोत कह जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती ना तो वे विलंब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रहेगा। जब राम जी के बाण सूर्य के उदय होने के समान आ जाएंगे ना, तो राक्षसों की सेना अंधकार के समान है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार खत्म हो जाता है, वैसे ही जब मेरे रघुवीर के बाण चलेंगे ना, सारे राक्षस खत्म हो जाएंगे। अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दोहाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हाई रघुवीरा। हे माता मैं तो आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं,
कि मैं आपको अपने कंधे पर बैठाऊं और ले जाऊं, लेकिन श्री रामचंद्र जी की शपथ है मुझे प्रभु की अभी आज्ञा नहीं है आपको ले जाने के लिए। अतः ये माता कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों की सेना सहित यहाँ पे आएंगे और आपको लेकर जाएंगे। निश्चर मारी तो ही लाए जय ही तुहु पुर नारदा दी जसु गए हाई है सुत कपि सब तुमई समान चातु धान अति भट बलवान। कि मेरे रघुनाथ यहाँ पर वानरों की सेना लेकर आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। तो सीता जी माता बोलती हैं, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान हैं या क्योंकि ये तो राक्षस बड़े बलवान योद्धा हैं, कि ये सब वानर तुम्हारे ही समान हैं नन्ने नन्ने से क्या? क्योंकि हनुमान जी वहां पर कितने बड़े बन के गए हैं, 2.5 फुट के बन के गए हैं। तो माता सीता ने उनको अपनी गोद में बैठा लिया है, 2.5 फुट वानर को, और कह रही है कि पुत्र, जो सारे वानर हैं सब तुम्हारे ही समान हैं या कुछ बड़े भी हैं? तो हनुमान जी जान गए कि माता को संशय हो रहा है, माता को संदेह है हमारे बल पर, हमारे पराक्रम पर, रघुनाथ की कृपा पर संदेह है माता को। मोर हृदय परम संदेह सुन कपि प्रगट कीनी निज देह कनक भूधरा कार शरीर समर भयंकर अति बल वीर। तो माता सीता कहती हैं कि सारे वानर तुम्हारे ही समान नन्हे मुन्ने हैं, क्योंकि राक्षस तो बड़े बड़े बलवान योद्धा हैं। अतः मेरे मन में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। तो माता जी से हनुमान जी कहते हैं, माता ये मेरा असली रूप नहीं है, आप आज्ञा दे तो मैं आपको असली रूप दिखाऊं। तो माता ने कहा, हाँ दिखाओ दिखाओ। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट कर लिया, सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर, जो सुंदर पर्वत पर दिखाया था हनुमान जी ने, वो हनुमान जी ने अपना बड़ा शरीर दिखा दिया। माता कहती है, इतना बड़ा शरीर, इतना बल? तो हनुमान जी कहते हैं, इतना नहीं और भी बल है माता, और दिखाऊं? तो माता कहती है, नहीं नहीं, नीचे आ जाओ, आओ नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, अब मैं जान गई कि तुम बड़े बलशाली हो, तुम्हारे अंदर बहुत बल है। तो माता सीता ने हनुमान जी का बड़ा शरीर देखा, जो सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयाऊ पुनि लघु रूप पवन सुत लयाऊ राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ, हनुमान जी ने वापिस सीता जी के कहने पर छोटा रूप धारण कर लिया। सुन माता साखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते करुड़ ही खाई परम लघु व्यास। तो माता सीता कहती है, अरे बाबा, इतना बल
मेरा पुत्र तो बड़ा बलशाली है। तो माता को विश्वास हो गया। हनुमान जी कहते हैं, हे माता सुनो, हम तो बंदर हैं, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती है, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। वैसे होता क्या है, गरुड़ का जो भोजन होता है सर्प होता है, गरुड़ सर्प को आहार के रूप में खाता है, लेकिन प्रभु की कृपा हो जाए तो सर्प उल्टा गरुड़ को खा जाएगा। कब? जब प्रभु की कृपा हो जाए। कि अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है अगर श्री राम जी की कृपा हो जाए। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलशाली, आशीष दीनी राम पिय जाना, ओह तात बल सील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हो गया। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। माता जानकी अपने पुत्र समान हनुमान जी को आशीर्वाद देती हैं कि हे तात, तुम बलशाली बनो, तुम्हारे अंदर अपार बल आ जाए। माता क्या चाहती है कि बेटा तू बड़ा कमजोर है और बलवान हो जा। तो एक माता सदैव क्या चाहती है कि उसका पुत्र बलशाली रहे, कि हे तात तुम बलशाली बन जाओ। और साथ में क्या चाहती है कि बल तो आए आए, साथ में शील आए, अच्छा आचार व्यवहार करना भी आना चाहिए। कि सिर्फ बल नहीं आना चाहिए, बल के साथ में क्या आना चाहिए, अच्छा आचार व्यवहार आना चाहिए, व्यवहार करना सीखना चाहिए। तो ये दो आशीर्वाद माता सीता ने बलशाली बनने के और शील बनने के हनुमान जी को दिए। और क्या आशीर्वाद देती है माता, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु अस सुन कान, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु अस सुन कान, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। हे पुत्र तुम अजर हो जाओ, अजर मतलब जिसको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, तो तुम अजर बन जाओ, अमर हो जाओ, ना तुम्हें कभी बुढ़ापा आएगा ना कभी तुम्हें मृत्यु आएगी, और गुणों के खजाने हो। यहां पर माता सीता ने, मैं आपको बताता हूं, हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नौ निधियों का दान दिया था, आशीर्वाद दिया था कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अश्वरदीन जान की माता। हनुमान जी को माता सीता ने आठ प्रकार की सिद्धियां और नौ प्रकार की निधियां आशीर्वाद स्वरूप दी थी, जिसका हनुमान चालीसा में वर्णन है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अश्वरदीन जान की माता श्री रघुनाथ जी। और फिर क्या आशीर्वाद दिया माता सीता ने हनुमान जी को, सबसे बड़ी बात जो कही माता सीता ने कि श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, कि तुम पर रघुनाथ जी की कृपा बनी रहे, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम, हनुमान जी प्रेम में मगन हो गए। इससे बढ़िया क्या चाहिए हनुमान जी को कि माता सीता ने कहा कि प्रभु कृपा करें,
प्रभु की कृपा का आशीर्वाद पाते ही हनुमान जी नाचने लगे, खुश हो गए, हर्षित हो गए और पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। बार बार नायसि पद सीसा, बोला बचन चोरी कर कीसा। अब कृत कृत भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ बेख्याता। हनुमान जी नाचने लगे ऐसा आशीर्वाद पाकर, और बार बार हनुमान जी सीता जी के चरणों में सिर नवाने लगे कि हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ है। अमोघ मतलब अचूक है, कि आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा, अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। सुनहु तात मोहि अतिशय भूखा, लागि देखी सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि बिपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता ये सुनो कि सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगाई है। ये इतने अच्छे वृक्ष लगे हुए हैं वाटिका में, बड़े अच्छे अच्छे फल लग रहे हैं। माता आप मुझे आज्ञा दीजिए मैं फलों को खा लूं, मुझे बड़ी भूख लग रही है माता इन फलों को देखकर। तो माता ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन नाही। राम से आराम से आराम जय जय राम, राम से आराम जय जय राम। तो हनुमान जी ने कहा, है माता यदि आप अपने मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय बिल्कुल नहीं है। अभी अभी तो आपने मुझे आशीर्वाद दिया ना बलशाली होने का, अब तो मेरे ऊपर आपका आशीर्वाद है, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मुझे किसी भी राक्षस का कोई भी भय अब बिल्कुल नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपी, कहे जान की चाहू। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहू। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। माता सीता को विश्वास हो गया, उन्होंने क्या देखा कि हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखा। यह देखकर जानकी जी ने कहा, हे जाओ हे तात, जाओ श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। जब हनुमान जी ने कहा कि माता मुझे भूख लगी है, तो माता सीता ने कहा, यहां बड़े बड़े राक्षस योद्धा हैं। तो हनुमान जी कहते हैं, अभी अभी तो आपने मुझे बलशाली होने का आशीर्वाद दिया है माता, अब मुझे कौन हराएगा, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो माता कहती है, अच्छा तो जाओ तात, अपने हृदय में रघुनाथ जी को याद करो और जाकर मीठे मीठे फल खाओ।